दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। अनिता जी बोलिए आप। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार अनिता जी। पहले तो आपने टेलीफोन से भी बात की थी उससे, और आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बात कर रहे हैं, पर मैं चाहती हूं कि मेरे को पर्याप्त कम से कम 5 मिनट का समय आप। अरे भाई सब इतने 50 लोग हैं, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं 50 लोग तो है, पर स्टार्टिंग में आपने 5 मिनट लिया। कोई फायदा, रिपीट मत करो। मैं रिपीट नहीं करने वाली हूं, आप निश्चित रहिए इस बात के लिए। मैंने आपको 4 पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी, और चारों पत्रों में मैंने बहुत सारी चीजें आपको लिख करके दी, आपका ध्यान आकर्षण चाहा, लेकिन दुर्भाग्य कहूंगी कि आपके एक भी पत्र का जवाब नहीं आया। वो कहाँ चले गए फिर? हाँ वो कहाँ, कोरोना की बेंच चढ़ गए? कोरोना की बेंच चढ़ गए? ये तो आप जा रहे हो, किसकी किसकी बेंच चढ़े? कहाँ गए साहब? पत्र कहाँ गए हैं? इसको दिया आपने? आपको मेल किया, आपकी मेल आईडी पर मेल किया है। आपके आपके जो सेक्रेटरीज हैं उनको मैंने फोन करके बताया कि मैंने मेल किया है। मैं पता करता हूँ आप। हाँ पता कर लीजिए आप। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगी मुख्यमंत्री जी, एक तो प्रवासी राजस्थानियों के लिए मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगी। मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान आकर्षण चाहूंगी। मैं प्रवासी, हाँ बिल्कुल, सुबोध अग्रवाल जी का धन्यवाद करती हूँ आपके सामने कि उन्होंने चार बार बात की आपने। नहीं नहीं मैं बार नहीं, अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। मैं सुबोध अग्रवाल जी का रियल में धन्यवाद है, मीनू गुप्ता जी का धन्यवाद है, कुलदीप राका जी का धन्यवाद है, परंतु चिट्ठी का जवाब नहीं आया। ये मेरा निवेदन है आपसे। एक मैं निवेदन करती हूँ आपसे, एक तो जो प्रवासी मजदूर है माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके बारे में आपको निवेदन करना चाहूंगी कि जो प्रवासी हैं, 3 कैटेगरी आप बना दीजिए। आपने बार बार परिवर्तन किया पासिस के लिए, इस वजह से वो व्यक्ति भी परेशान हुए, जनप्रतिनिधि भी परेशान हुए, और जिनके घर वो ठहरे वो लोग भी परेशान हुए। मेरे सुझाव है आपको कि आप 3 कैटेगरी बना दीजिए। जो व्यक्ति अपने वाहन से जाना चाहता है जहाँ रेड जोन नहीं है, उसको तो आप तत्काल परमिशन दे सकते हैं। आपने देखा नहीं क्या? नहीं मैं आज का उदाहरण दे रही हूँ आपको। मैं 1 सेकंड, मैं आज का उदाहरण दे रही हूँ। आज मेरी ओर से 3 एप्लीकेशन लगाई गई और तीनों की तीनों रिजेक्ट हुई, जबकि वो अपने निजी वाहन से जाना चाहते थे। उनकी स्थिति आज अजमेर कार्यालय की मैं बात कर रही हूँ। एडीएम कार्यालय पे लगाई 3 एप्लीकेशन, मैंने व्हाट्सएप पे लगाई, राजको पर अप्लाई करके लगाई, वो तीनों निजी वाहन से जाना चाहते थे और तीनों की तीनों रिजेक्ट हो गई। मैं कहाँ जाना चाहते थे? दिल्ली जाना चाहते थे। यहाँ हॉटस्पॉट है ना, हॉटस्पॉट है। मैम कहाँ जाना चाहते थे, किस जगह पे? दिल्ली जाना चाह, एक फैमिली तो दिल्ली जाना चाहती थी और एक फैमिली जो है वो राजस्थान स्टेट के अंदर ही जाना चाहती थी। वो तीनों की तीनों रिजेक्ट हो गई। मुझे ये कहा गया कि राजस्थान स्टेट में पास ही नहीं चाहिए। आप जो कह रहे हैं, आप राजस्थान स्टेट में कोई पास नहीं चाहिए, दिल्ली का पास तुरंत दे देना चाहिए। 1 सेकंड मेरी पूरी बात सुन ले मुख्यमंत्री जी, फिर मैं आपको बताती हूँ। जो दिल्ली जाना चाहती थी फैमिली, उसकी रिजेक्ट हुई। बुजुर्ग आदमी 2 महीने पहले से आए हुए थे, वो अपने घर में जाना चाह रहे हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रही हूँ कि नीचे आप ऑर्डर जरूर कर रहे हैं, पर उनका कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है ये आप सच्चाई एक बार सुन लेंगे तो आप इनको अच्छी व्यवस्थाएं कर पाएंगे। ये अच्छाई के लिए मैं आपको सुझाव दे रही हूँ। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो लोग प्रवासी लोग हैं और जो जाना चाहते हैं, राजस्थान से जाना चाहते हैं, अपने निजी वाहन से जाना चाहते हैं, सरकार का कोई भार नहीं लाना चाहते, उनको आप जो है तुरंत परमिशन देने का काम करें। मेरा एक तो निवेदन ये है। एक बार मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जोधपुर जिले के 45 लोग हैं जो SC के लोग हैं, भोपालगढ़ विधानसभा के। सुबोध जी को पता है, आपके यहाँ से मेरे पास फोन भी आया, लेकिन हुआ ये है कि वो रेड जोन में, उनके पास पैसा नहीं है और वो जोधपुर आना चाहते हैं, बॉम्बे से जोधपुर आना चाहते हैं। तो आप मुख्यमंत्री जी से बात करें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात करें, क्योंकि वो जोधपुर के ही रहने वाले और सारे के सारे SC समाज के, और हैंड टू माउथ हो गया पूरी तरह से। तो एक मेरा आपको निवेदन है, आप बात करेंगे तो ये समाधान हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। दूसरा आपको निवेदन करना चाहूंगी, अब मैं गेहूं के बारे में, माननीय मुख्यमंत्री जी मैं रिटर ही आपको बता रही हूँ, मेरी आप बात सिर्फ 5 मिनट ध्यान से सुन लें। जो आपका आपके माध्यम से जो अखबारों में खबरें छपती हैं,
वो नीचे के लोगों के लिए बहुत ही दर्दनाक होती है, हम जैसे लोगों के लिए जो नीचे के जनप्रतिनिधि हैं या पार्षद हैं या नगर परिषद के चेयरमैन हैं। आपके हवाले से खबर छपी कि आधार कार्ड के आधार पर राशन दिया जाएगा। आधार कार्ड के आधार पर तो राशन नहीं दिया गया, उनको राशन दिया गया खाद्य सुरक्षा के आधार पर। यदि वो खाद्य सुरक्षा में कवर है तो उनको राशन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अब जो लोग खाद्य सुरक्षा में कवर है उनमें भी 30% ऐसे लोग जिनका ओटीपी नहीं आ रहा या इनका जिनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, वो ऐसे 30% लोगों को हम देंगे, इससे ज्यादा सीमा हम नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो बहुत नितान गरीब लोग हैं जहाँ बैकवर्ड एरिया है, उन्होंने मोबाइल चेंज कर लिए। अब जो इस विषम परिस्थिति में उसको गेहूं की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम 30% की सीमा को या तो हटा दें, और नहीं हटा सकते हैं तो हम दुकान वाइज कि इस दुकान पर इतने राशन होल्डर हैं जो खाद्य सुरक्षा में कवर है और इनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर नहीं है, वो आपको सॉफ्टवेयर से पता पड़ जाएगा, तो उनको भी आप अलाउ कर दें कि इस व्यक्ति को भी आप गेहूं देना शुरू करें। तो वो जो पात्र व्यक्ति वो तो सरकार का गेहूं कम से कम ले ले, वो तो वंचित नहीं रहा कम से कम। और एक जो आपने स्टार्टिंग में वीसी में बात कही थी कि मजदूर कार्ड जो पंजीकृत है उनको हमने 2,500 रुपया दिया है, उनके बैंक के अकाउंट में पैसा चला गया, लेकिन जिनका बैंक अकाउंट बंद हो गया या करप्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स फेल हुए हैं, उन फेल ट्रांजेक्शन्स में उनको किसी तरह से कोई सहायता नहीं मिली। आपने कहा कि हमने कैश डिलीवर भी किया है, लेकिन अजमेर पूरे जिले में किसी को भी कैश डिलीवर नहीं हुआ है। इसलिए उन लोगों की सूची भी मैंने भेजी है कमिश्नर को, उन लोगों की सूची आप देख लीजिए और उनको भी कैश ट्रांजेक्शन आप कराइए। एक मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपको और निवेदन करती हूँ इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि सब लोगों ने यह कहा कि आर्थिक रूप से हमको चलाना पड़ेगा, हमको आर्थिक गतिविधियां बढ़ानी पड़ेगी और स्टार्ट करनी पड़ेगी। पर मैं आपके ध्यान में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लाना चाहती हूँ, क्योंकि 45 दिन से लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से कई मशीनों में छोटे छोटे जो कलपुर्जे होते हैं वो खराब हो गए, ऑयलिंग और ग्रीसिंग नहीं होने के कारण मशीनें चल नहीं रही है, उनके पास कच्चे माल की कमी है, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ नहीं है। और दूसरी बात, ये जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज में जो फिक्स बिजली के चार्जेस हैं, वो फिक्स बिजली के चार्ज पंजाब ने माफ किए हैं, उत्तर प्रदेश ने माफ किए हैं, बाकी की गवर्नमेंट ने माफ किए हैं, निश्चित रूप से आपके ऊपर आर्थिक भार आएगा, ये मैं समझती हूँ। राज्य सरकार की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो अपन वे ऑफ कर सके, पर उसको किसी भी कीमत में कहीं और एडजस्ट कर ले। हम शराब के ऊपर टैक्स हम बढ़ा दें, लेकिन इसको हम जो है इसको छूट देनी चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पास रेवेन्यू आएगी, हमारे मजदूरों को भी मजदूरी मिलेगी और मजदूरों को काम मिलेगा। यदि इंडस्ट्री नहीं चल पाएंगी तो अल्टीमेटली नुकसान जो राज्य सरकार को ही होने वाला है, मजदूरों को ही होने वाला है। एक मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी उद्योग हैं उन उद्योगों में मजदूरों को 5% का पेमेंट तो मिल गया, लेकिन अब अप्रैल का और मई का पेमेंट, क्योंकि कुछ लोग कोर्ट भी चले गए, ऐसी स्थिति में उनको चूंकि फैक्ट्रीज बंद है और फैक्ट्रीज बंद होने के कारण से उनका यह कहना है कि ईएसआई में जो हमारा पैसा जमा है, यदि वो ईएसआई का पैसा वापस आ जाता है और मजदूरों को अप्रैल और मई की सैलरी दे दी जाती है। मुख्यमंत्री जी, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, मंत्री जी आपके पास बैठे इसलिए मैं निवेदन करना चाह रही हूँ। मेरे अजमेर में मेडिसिन का जो होलसेल बाजार है उसमें ये परमिशन दी गई है कि एक दिन में एक ही दुकानदार अपनी दुकान खोलेगा। अब एक दुकानदार के पास में सिप्ला कंपनी का ही माल है, दूसरी कंपनी की दवाएं उसके पास नहीं है, तो जो रिटेलर है वो रोज रोज होलसेल बाजार में जाता है, होलसेल बाजार में जाकर के इससे लेता है। तो मेरा ये कहना है कि होलसेल मार्केट तो हमको पूरा ही खोलना चाहिए ताकि रिटेलर को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आए। एक मैं और निवेदन करना चाह रही हूँ, ये लॉकडाउन की परिस्थिति में नगर परिषद मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना बंद कर दिया, ऐसी स्थिति में इस 1.5 महीने के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है वो परिवार अपने उस मुखिया के अकाउंट से पैसा नहीं निकाल पा रहे, पैसा नहीं निकाल पा रहे, उस वजह से उनकी दिक्कत यह है कि वो अपने घर का परिवार का खाद्यान्न नहीं खरीद पा रहे। तो आप एक ऑर्डर दीजिए कि जो एसेंशियल सेवा है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र तो ऑनलाइन ही बनते हैं, यदि वो ऑनलाइन बन के आ जाता है तो निश्चित रूप से उनके बैंक के अकाउंट में जो भी पैसा जमा है वो निकल सकता है और वो उसका उपयोग कर सकते हैं। एक मैंने आपको चिट्ठी लिखी थी, हो गया बात, पानी और बिजली के बिल माफ किए जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, पानी और बिजली के बिल जमा कराने में जनता सक्षम नहीं है, जनता सक्षम नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने
और 2% जो टैक्स आपने मंडी का बढ़ाया महंगी होगी, लोग खरीद नहीं पाएंगे, कैश नहीं है, हो गया, शुल्क को भी माफ करें। बढ़िया आपने सुझाव दिए हैं।